अभी हम जा रहे हैं जी शाह तबरेज, मेरे दिमाग से लफ्ज भी नहीं निकल रहा, तो उनके मजार पे जा रहे हैं। तो दोनों के काफी ज्यादा रश बढ़ गया, गर्मी भी काफी ज्यादा हो गई है यहाँ पे। हम जैकेट वगैरह पहन के आए थे तो अभी गर्मी लग रही है, जाम हो गया यहाँ पे। इमाम बारगा है अहले तशियों की, इमाम बारगा। यहाँ पे पहुंचे हैं तो मेरे सामने दौलत शाह का जो मजार है, तो जिसे दौलत गेट भी कहते हैं, तो ये सामने आप देख सकते हैं ये चौक पे मजार बना हुआ है उनका, दौलत शाह का। तो ये बुजुर्ग है, अभी हमें हिस्ट्री इनकी पता नहीं है, उनकी कब्र है अंदर। यहाँ पे अंदर मजार है, कब्रें भी है। तो इन्हें इस गेट को कहते हैं जी दौलत गेट। अभी जी हम शाह रुकने आलम मजार है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो हमने जाना शाह तबरेज शम्स के मजार पे था, तो वो आगे है, वो थोड़ा सा आगे दूसरी तरफ है, तो हमें रास्ते में ये पड़ा। तो अभी हम यहाँ पे हाजिरी देंगे, तो कासम बाग है, यहाँ पे कासम बाग में आ गए। तो अभी आपको व्यू दिखाने लगा था, जहाँ से सारा मुल्तान तकरीबन सारा नजर आ रहा है, पीछे मेट्रो भी नजर आ रहा है, मेट्रो स्टेशन नजर आ रहा है मुल्तान का। तो ऊंचाई में वाकई किला है, ये किले की तरह बना हुआ है सारा मुल्तान, एक ऐसा ही है जैसा किला चल रहा है। तो यहाँ से ऊपर से नजर आ रहा है सारा। तो यहाँ पे कबूतर बादी का खास शौकीन है मुझे लग रहा है लोगों को, तो काफी ज्यादा कबूतर यहाँ पे हवाओं में उड़ रहे हैं, तो काफी लोगों ने यहाँ पे कबूतर वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थी शाह रुकने आलम के मज़ार पे, तो आपको भी दिखाते हैं कैसा है, और सलाम भी करते हैं, हाजिरी भी देते हैं। अभी हम जी आ गए हैं बाउद्दीन जकरिया जो है रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार पे। तो ये हम दूसरी तरफ से आए हैं, तो पहले ये आ गया है, तो शाह रुकने आलम का जो मज़ार है वो पीछे है। तो अभी हम यहाँ पे जाने लगे, ये दादा जान है शाहरुख आलम के, अभी यहाँ पे जाते हैं। तो अभी यहाँ पे एक मसला इन्होंने खड़ा कर लिया है मेरे बैग का, तो कह रहे हैं कि बैग के साथ अंदर नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पे पता नहीं दिखवा भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो अभी मसला बन गया है। करते हैं कुछ भी, अभी एक बंदा जाएगा एक आएगा, फिर ऐसे कर लेते हैं। कुछ नवासों का सदका अदा हो। मैंने बैग के साथ कंटीन पर रखवा के अंदर आ गए हैं। तो ये मज़ार है हज़रत बाउद्दीन ज़करिया का, तो यहाँ पे कैमरे का ममनू है, तो थोड़ा सा कैमरा कम इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पीछे कबूतर है यहाँ के, तो पानी पी रहे हैं। तो अभी हम मज़ार के अंदर आके बैठ गए, तो ये बाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के ये कपड़े हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं बना रहा हूँ, तो भाई साथ ही करें, यहाँ पे दुआ वगैरह हमने करनी है, तो अभी यहाँ पे बैठे हैं, तो थोड़ा सा दूर वगैरह पड़ के, तो फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से चले जाएंगे। कुछ नवासों का सदका अदा हो। तो यहाँ पे जी कबूतरों के लिए दाना रखा हुआ है। तो भाई यार क्या रेट है इनके? 50 वाली डालो, 100 वाली डालो, आपकी गुंजाइश है। सही है। तो अभी नबी भाई ले लेने के दाना कबूतरों को डालने के लिए।
डाल है। तो जी ये पैसों वाला कुआं है, तो यहाँ पे लोग आके पैसे फेंकते हैं और मुरादें मांगते हैं। तो ये कुआं है, पता नहीं आपको पैसे नज़र आ रहे कि नहीं। तो अभी हम शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जा रहे हैं। तो बाउद्दीन ज़करिया मज़ार के से होके आ गए हैं। तो ये मेरे साइड पे, इस साइड पे है जी कासम बाग, मुल्तान का सबसे बड़ा बाग है जी। तो ये पीछे सारा बाग है, तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं। तो मेरे पीछे ये जो जगह आप देख रहे हैं, तो यहाँ हज़रत गौस पाक जो है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना चिल्ला काटा हुआ है। तो ये वो जगह है, ये वो मुकाम है। तो यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। पीछे ये मज़ार आप देख रहे हैं, तो ये शाह रुकने आलम का मज़ार है। तो ये हज़रत बाउद्दीन ज़करिया के पोते हैं ये। तो ये सामने इंट्रेंस गेट है यहाँ का, तो मैंने दूसरी तरफ से भी आपको दिखाया होगा ये मज़ार। तो अभी हम अंदर जाने लगे हैं, मेरी भाई तो चले गए। एक अजीब सा मसला है कि बैग जो है वो अंदर नहीं जाने दे रहे। तो यहाँ पर इन्होंने लिख के लाया, बंदा पूछे हम फैसलाबाद से आए हैं, तो हम फैसलाबाद से पढ़ के आएंगे कि बैग अंदर नहीं लेके जा सकते। तो मुझे गुस्सा आ गया, यहाँ पे दूसरा ये दूसरा मज़ार है, यहाँ पे ये कह रहे हैं बैग नहीं अंदर लेके जाना। उन्होंने रखने के लिए जगह भी नहीं बनाई कि हम वहाँ पे रखवा के अंदर जा सकें। तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये सिस्टम है सारा। अभी मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तो अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया बैग के साथ। तो बैग अब कहीं भी रख भी नहीं सकते, ये भी नहीं है यहाँ पे सिस्टम है कि बैग यहाँ पे किसी के पास रखवा लो। तो इजाज़त ही नहीं है बैग की। तो हम इतनी दूर फैसलाबाद से आए हैं और ये कह रहे हैं यहाँ पे बैग नहीं रख सकते। तो अभी मैं यहाँ पे बाहर बैठ गया हूँ, नबी भाई अंदर गए हैं, तो आपको बाहर बाहर से दिखा देता हूँ। तो अंदर मैं जा नहीं सका, वैसे भी अंदर वीडियो बनाना इतना अलाउ होता नहीं है। तो आप बाहर से देख लें। फिर नबी भाई बाहर आ गए हैं, तो मैं जाने लगा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो बैग मैंने नबी भाई के पास रखवा दिया। सलाम कर लिया मैंने, तो अंदर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा। तो ये दरबार का हिस्सा है अंदर से। तो इसके अंदर जो है हज़रत शाह रुकने आलम का जो है मज़ार, ये वो है। तो यहाँ अंदरूनी हिस्सा है, तो यहाँ पे ये नज़ारा नज़र आ रहा है, पूरा मुल्तान यहाँ से नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो अभी स्कूल के बच्चों का ट्रिप भी आया होता, तो तकरीबन हमें एक बज गया, तकरीबन डेढ़ बजे, अभी डेढ़ बजने वाला है। तो हमने जाना अभी आर्ट गैलरी दमदमा में, तो वहाँ पे जाके तो फिर आगे इंशाल्लाह जाएंगे शाह शम्स तबरेज़। और अभी भूख लग रही है, तो फिर पहले खाना खाना जाके, नबी भाई बता रहे थे कि चांपे हैं जो कि वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, अभी वो खाएंगे यहाँ से। तो ये दरख्त है यहाँ पे, लोगों ने मेरे ख्याल तवीज़ वगैरह बांधे हुए हैं, तो मनते वगैरह मांगते हैं। तो यहाँ पे तवीज़ वगैरह भी बांधे हुए हैं सारे, तो आपको दिखाते हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये भी एक यहाँ पे एक जाली है, तो यहाँ भी लोग मनते वगैरह मानते हैं। तो किसी ने ताला वगैरह बांधा हुआ है, तो किसी ने ये आप देख सकते हैं धागे वगैरह भी बांधे हुए हैं, ताले वगैरह भी लगाए हुए हैं। मैंने आपको दिखाना था कि यहाँ पे ये मस्जिद है छोटी सी, इस मज़ार की, तो ये साथ मज़ार है, तो ये साथ मस्जिद है। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा मंजर है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ, तो वहाँ से हम जाएंगे शाह शम्स तबरेज़ के रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। तो वहाँ से फिर होके इंशाल्लाह फिर आगे का आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं।
तो अभी हम शम्स तबरेज के मजार पे जाने लगे हैं, तो गाड़ी काफी ज्यादा गर्म हो गई है और यहाँ पे गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, फिर बाद में जाते हैं चांपे खाने, उसके बाद आर्ट गैलरी दमदमा वहाँ पे आते हैं। तो आना हमने यहाँ है घूम के, तो वो दूसरी तरफ आर्ट गैलरी, तो वहाँ पे जाएंगे। अभी आगे चलते हैं। शम्स तबरेज के मजार पे आ गए, तो ये पीछे सारा बाजार वगैरह लगा हुआ है, तो सामने मेरे जो है मजार है, तो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो है खुदा मोहब्बत जो ड्रामा है वो भी यहाँ पे शूट हुआ है, तो आपको दिखाते हैं सर। तो ये मस्जिद है यहाँ की, तो अभी नवीर भाई ने यहाँ से शॉपिंग करनी, क्या खरीदना है यहाँ से देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी विजिट कर रहे हैं, तो देखते हैं नवीर भाई क्या खरीदते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, किताबों वगैरह के ये बहुत हैं, अलम वगैरह उनके लिए ये सारा सामान लगा हुआ है यहाँ पे, धागे वगैरह, तस्बीह वगैरह, मुखाने, हर चीज़ यहाँ पे लगी हुई है। तो नवीर भाई पता नहीं क्या लेते हैं अभी यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं जी वापस घंटाघर चौक, तो वहाँ पे जाके हमने पाए जो है मटन चाप है मशहूर। हाँ मटन चाप है, बहुत खानी मशहूर। तो फिर खा के फिर आर्ट गैलरी जाएंगे दमदमा में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो मेरे पसीने आपको छूटे नज़र आ रहे होंगे, तो हमने शीशे वगैरह खोलिए गाड़ी के। तो अभी हम जा रहे हैं, तो